कोरोना काल में स्कूलों की फीस माफी को लेकर मुरादाबाद ऑफ ऑल स्कूल सोसाइटी के तत्वावधान में सैकड़ों पेरेंट्स मुरादाबाद कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और सड़क पर बैठकर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। विगत मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन के कारण देश भर के स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई है, जिसके बाद से सभी प्राइवेट स्कूलों ने पेरेंट्स पर फीस का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जबकि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर आदेश जारी किया था कि कोई भी स्कूल फीस के लिए दबाव नहीं बना सकता। लॉकडाउन में बढ़ते फीस दबाव के कारण पेरेंट्स ने एक संगठन खड़ा करके प्रदेश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में पेरेंट्स कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। ये लोग अपने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लिए हुए थे। अपने संगठन के साथ आज सांकेतिक रूप से एक दिवसीय भूख हड़ताल करते हुए सरकारों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया है। मैं अनुज गुप्ता, एडवोकेट, मैं संयोजक मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल। आज मुरादाबाद पेरेंट्स ऑफ ऑल स्कूल के तत्वावधान में मुरादाबाद के बड़ी संख्या में अभिभावक आज एक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी प्रमुख मांगे, हम लोग जो लगातार कई पिछले महीनों से करते हुए आ रहे हैं, जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक स्कूल की फीस को माफ़ करा जाए। स्कूल जुलाई से स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, स्कूल की फीस ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से ही स्कूल फीस का निर्धारण हो, जैसा कि अमेरिका ने भी किया है। उन्होंने स्कूल फीस ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से 30% स्कूल फीस करी है। यही मांग हमारी प्रशासन शासन से है कि स्कूल फीस को ऑनलाइन पढ़ाई के हिसाब से उसका निर्धारण करा जाए। स्कूल द्वारा लगातार अभिभावकों की फीस जमा ना होने की स्थिति में बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटाया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। एक उस बच्चे की पीड़ा समझिए, अभिभावक की पीड़ा समझिए, जो एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है, ऊपर से उसके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जा रहा है, क्लास से ऑनलाइन क्लास से हटाया जा रहा है। उस बच्चे के अंदर कितनी हीन भावना आती है कि उस बच्चे के माँ बाप जो हैं वो पैसे जमा कर रहे हैं, मेरे माँ बाप पे कुछ नहीं है। माँ बाप की मानसिक स्थिति समझिए, ऐसी स्थिति में कई माँ बाप कोई गलत कदम ना उठाएं। बहुत स्थिति है, जब हमने बच्चों का एडमिशन कराया था तो हमने स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था, टीचर्स देखे थे, कंप्यूटर लैब देखी थी, स्मार्ट क्लास देखी थी। आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हम अपने बच्चे को मोबाइल लैपटॉप खरीद के दे रहे हैं, जो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा हमारा 300-400 रुपये महीना आता था, आज वो 2000 रुपये महीने का खर्चा हो गया है। बार बार इंटरनेट की कनेक्टिविटी चली जाती है। ऐसे में बच्चे माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं? ऊपर से लगातार स्कूल वाले स्कूल फीस दो, पूरी फीस जमा करो। आज आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ आज हम लोग माननीय मंडलायुक्त कार्यालय के सामने एक सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ये सांकेतिक भूख हड़ताल हमारी सिर्फ इसलिए प्रशासन को चेतावनी है कि अगर हमारी मांगे जल्द से जल्द नहीं मांगी गई तो हम लोग कार्य में अनशन करेंगे, हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग चक्का जाम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी अगर किसी अभिभावक को कुछ होता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, मुरादाबाद प्रशासन की होगी और सरकार की होगी।